So students, myself Karan Bindra, I am PGT Physics from KV number 1 Chhindwara. So today we are going to start the last topic of your chapter 7 alternating current, that is AC generator. So we have last topic padhna hai, uska naam hai AC generator. AC generator ke general use aap sabko pata hai. Generator aapko pata hai aapke आपने देखा होगा बहुत कंपनीज में लगा होता है, घर में लगा होता है एसी जनरेटर, बहुत सारी जगह जनरेटर लगा होता है। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर वर्ड पे नहीं जाना, जनरेटर कुछ जनरेट नहीं करता, एक एनर्जी को बेसिकली दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली हम आज इसकी फिजिक्स पढ़ेंगे, जनरेटर के पीछे क्या फिजिक्स है, जितना अभी तक आपने पढ़ा पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में उसके बेसिस पे हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। ये मेरे पास एसी जनरेटर का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर एनएस से पता ही लग रहा होगा ये क्या है, दीज आर टू मैग्नेट्स, ठीक है। यहाँ पर एक ये मेरे पास कॉइल है, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेट कर रहा है। यहाँ कुछ ये रेड कलर में रिंग्स बनाया है, सभी अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो व्हाट इज एसी जनरेटर, एसी जनरेटर क्या है। एसी जनरेटर बेसिकली होंगे अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स, कौन सी एनर्जी, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब ये मूव कर रहा है तो कौन सी एनर्जी होती है, कौन सी, यस मैकेनिकल एनर्जी। डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर। अब एसी आप सभी को पता है एसी का मतलब क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसको एक और तरह से भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डिवाइस that generates alternating current or EMF, alternating current या EMF generate, मतलब जो हमारे को इसके output में मिलता है that is alternating current or EMF, alternating current या EMF मिलता है, ठीक है। अब जैसे हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमें इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को रीड करें, कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, ये कंस्ट्रक्शन में क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बताया कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, मैग्नेट्स लगे हुए ना, एन एस दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या चीज है, फील्ड मैग्नेट्स, फील्ड मैग्नेट्स लगे हैं, ठीक है। दीज आर फील्ड मैग्नेट्स, ये दो कॉनकेव शेप के मैग्नेट्स हैं। अब ये मैग्नेट परमानेंट भी हो सकते हैं, परमानेंट कॉनकेव मैग्नेट्स, और बेटर टू यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें। तो यहां पर हम परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं। सो वन पार्ट इज दिस, द नेक्स्ट इज दिस सेंट्रल पार्ट इन रेड कलर, दिस सेकेंड इज आर्मेचर। व्हाट इज आर्मेचर, आर्मेचर इज सिंपली क्या है, ये एक कॉइल है, ठीक है। यहां पर मैंने सिंगल टर्न बनाया बेटा, ये बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल होता है, सेम चीज वही सॉफ्ट आयरन कोर पे लेमिनेटेड बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल है, ये स्क्वायर पोर्शन में, ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल है जो कि क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। आई कैन टेल यू बाय एग्जांपल, सपोज मेरे पास ये क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल है, और यहाँ इससे दो ये आगे ये रेड लाइन जिससे आगे पोर्शन निकल रहा है, ये टर्न इस एक्सिस के अराउंड यू रोटेट कर रहा है मैग्नेट्स के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स का लेमिनेटेड कॉइल है, और ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर है कॉइल। सॉफ्ट आयरन कोर में क्यों है, हमने ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा था, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं, यस
यस यू आर राइट, यू आर थिंकिंग राइट। सॉफ्ट आयरन कोर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि वो फ्लक्स बहुत ज्यादा से ज्यादा मेंटेन रखे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें कॉन्सेंट्रेट है। बिल्कुल सही। तो सॉफ्ट आयरन कोर का क्या है, बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स के कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, मेनी नंबर ऑफ टर्न्स का ये क्या है, कॉइल है आर्मेचर पी क्यू आर एस, जिसको मैंने डिनोट किया पी क्यू आर एस से। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल है, सॉफ्ट आयरन के बेस है, लेमिनेटेड है। लेमिनेटेड क्यों होता है, ताकि एडी करंट्स कम हो। ठीक है, लेमिनेटेड क्यों है, एडी करंट्स कम हो। तो हम इस अरेंजमेंट को, दिस कॉइल को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर। और ये एक रोटेशन पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, एक एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक, द नेक्स्ट थिंग इज स्लिप रिंग्स। द नेक्स्ट थिंग इज स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या होता है, अब ये कॉइल फर्दर आगे क्या हो रहा है, ये जो रेड पोर्शन है एस के साथ रेड, ये इस कॉइल पे टच कर रहा है, ये सर्कुलर कॉइल, और जो पी पी से पास से लाइन है ये आगे इस वाली स्लिप रिंग पे टच कर रहा है। ठीक है, इसको स्लिप रिंग को मैं नाम भी दे सकता हूँ आर वन आर टू। ठीक है, स्लिप रिंग्स है, स्लिप रिंग्स आर वन और आर टू, दो मेरे पास रिंग्स हैं जो क्या कर रही है, इस कॉइल्स के साथ टच हो रही है। और ये रिंग्स भी क्या है, ये भी उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करती है, घूमती है उसके साथ ही। ठीक है, अगर ये ऐसा ना होता रिंग्स तो क्या होता, समझ लो मेरे पास दो वायर है, ये ऊपर से यहाँ से घूमती, दो तीन बार घूमने के बाद क्या एंटेंगल हो जाती तो ब्रेक हो जाती, कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूसली हमें रोटेट कराना है मैकेनिकल एनर्जी। इसलिए हमने क्या अरेंजमेंट लगाया, ये स्लिप रिंग्स लगा दी। स्लिप रिंग्स भी क्या करती है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है, घूम रही है। जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट कर रहा है, ये स्लिप रिंग्स भी क्या कर रही है, रोटेट। एक के साथ ये वाली रिंग कनेक्ट है और दूसरे पोर्शन के साथ आर टू कनेक्ट है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है हमारे पास, स्लिप रिंग्स, ये जस्ट कॉन्टैक्ट रिंग है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट आर ब्रशेस, दो ब्रशेस हैं हमारे पास V1 एंड V2। ये दो ब्रशेस दिख रहे होंगे, दिस इज V1, दिस इज V2, दो ब्रशेस हैं। ये ब्रशेस क्या होते हैं, बिल्कुल लाइट कॉन्टैक्ट में रिंग्स के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत लाइट कॉन्टैक्ट में। ये क्या करेगी, अगर रिंग रोटेट भी कर रही है, ठीक है, अगर हमारी रिंग ये रोटेट भी कर रही है, रिंग के साथ क्या है, मेरा ब्रश को कनेक्ट है बहुत लाइट कॉन्टैक्ट में, ये क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट बना रहा है इस रिंग का फर्दर आगे आउटपुट के साथ। ठीक है, ये इस रिंग का कॉन्टैक्ट बना रहा है, मतलब करंट जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस ब्रश से यहाँ पर, ये आउटपुट के साथ क्या बना रहा है, हमारा कॉन्टैक्ट बना रहा है। ठीक है, ब्रशेस, तो ब्रशेस का काम क्या है, कार्बन ब्रशेस होते हैं, मेटालिक ब्रशेस होते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बना रहे हैं हमारे आउटपुट के साथ। आप किसी भी बुक में देख सकते हैं बेटा, इसका बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, चार चीजें कंस्ट्रक्शन में। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स, व्हिच इज टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। सेकेंड इज आर्मेचर, थर्ड इज स्लिप रिंग्स एंड फोर्थ इज ब्रशेस। तो ये चार हमारे पास क्या हो गया कंस्ट्रक्शन में, ये चार चीज आ गई हमारे पास। सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज, we studied introduction, we studied construction. So next thing we are going to study is on what principle it is based. जब भी हम कोई device की बात करते हैं, कोई भी device की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं ना किसी principle पे based होगी। तो ये किस principle पे based है? यहाँ magnetic field है, यहाँ पर armature coil का area change हो रहा है, तो किस principle पे based होगी? आइए देखते हैं। बहुत important है, exam में भी पूछा जाता है। On what principle it is based? किस principle पर based है? It is based on what principle it is based? It is based on electromagnetic induction. It is based on इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप सभी ने ईएमआई चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सोचिए इसके बारे में, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा क्या चीज है, जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कोई एरिया किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, ये हमारे पास कॉइल का एरिया है मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, जब जब ये
मैग्नेटिक फील्ड एरिया चेंज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, दैट मींस क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। ठीक है, जब जब ये एरिया चेंज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मेरा ये एरिया इसके परपेंडिकुलर है, फिर ये पैरेलल आ गई, फिर परपेंडिकुलर आ गई, जब जब एरिया चेंज हो रहा है तब क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और वेन एवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स तो क्या होता है, कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है, कुछ ना कुछ करंट डेवलप होता है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो वही तो हमें करना है ना, आउटपुट पे हमें करंट ही चाहिए। तो इस प्रिंसिपल पे बेस है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हिच स्टेट्स दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है ईएमएफ इंड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें करंट आ जाएगा और आउटपुट में हमें करंट ही चाहिए, एसी जनरेटर है, एसी ईएमएफ या करंट चाहिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है। नेक्स्ट चीज, एक चीज जो रह गई आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे या वैसे भी आप पढ़ सकते हैं, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। इसकी क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी सोचा आपने, ये मैं बोल रहा हूँ ये कॉइल मैकेनिकल एनर्जी, कॉइल रोटेट कर रही है, कौन करा रहा है ये कॉइल रोटेट, कौन करा रहा है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हमेशा एक टर्बाइन होती है। ठीक है, ये जो कॉइल होता है यहाँ पर एक टर्बाइन होती है, ये टर्बाइन रोटेट करती है, तभी तो ये कॉइल रोटेट कर रहा है ना, तभी तो एक्सिस रोटेट कर रही है कॉइल जिसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, अब ये टर्बाइन की बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, टर्बाइन रोटेट करता है जस्ट लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या चीज होता है, उसमें क्या करता है, ये टर्बाइन पे क्या फॉल करता है, वाटरफॉल करता है, वाटरफॉल करता है टर्बाइन पे, टर्बाइन रोटेट होती है, टर्बाइन की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जनरेटर की वाटर है, वाटर से टर्बाइन रोटेट होती है, उस टर्बाइन की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एसी ईएमएफ डेवलप होता है। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट का क्या रोल होता है, थर्मल पावर प्लांट में टर्बाइन क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में जनरली क्या होता है, कोल होता है। ठीक है, हम कोल को क्या करते हैं, कोल से वाटर बर्न करते हैं, वाटर बर्न करने से क्या होता है, स्टीम निकलती है। ठीक है ना, कोल से पानी को उबालते हैं, पानी के बाद क्या निकलता है, स्टीम जनरेट होती है, वो स्टीम इस टर्बाइन पे लगाते हैं हम, स्टीम इस टर्बाइन के ऊपर आती है, जब स्टीम टर्बाइन पे आती है बहुत प्रेशर से तो टर्बाइन रोटेट करती है, जिससे कि हमारे पास पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या आ गया, कोल बोल सकते हैं, स्टीम बोल सकते हैं। थर्ड चीज, आजकल जो आगे एनर्जी सोर्स है, दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी जितना आपको बता सकता हूं मैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, जितना आपका समझ में आएगा, कुछ न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूल्स को हम टर्बाइन पे डालते हैं, जिससे टर्बाइन रोटेट करती है और ये डायनेमो घूमता है। हमें पता होना चाहिए ना, खुद तो नहीं घुमा सकते ना हमेशा हाथ से। सपोज मैं यहाँ पर क्या करूं, यहाँ पर मैं हैंडल बना, ठीक है, अभी तो मैं, अगर मेरे पास है तो मैं इस हैंडल को रोटेट कर सकता हूँ, टर्बाइन शाफ्ट रोटेट हो जाएगा, ठीक है, आर्मेचर घूमने लग जाएगी, पर हमेशा तो हम ऐसे नहीं कर सकते बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वाटर से, थर्मल में कोल से, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूल से। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज, अब हमने बोल दिया ईएमएफ जनरेट हो गया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है। तो ईएमएफ जनरेट कैसे होगी, करंट किस डायरेक्शन में है, क्या वो एसी करंट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, दैट मीन हम अब इसकी क्या पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है, वर्किंग पढ़ेंगे, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इजी है अगर समझोगे तो। ठीक है, वर्किंग में क्या है हमारे पास, सपोज मेरे पास ये कॉइल है, ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख दूं, दिस इज माय पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस, सबको दिख रहा है पी क्यू आर एस, ये मेरे पास कॉइल है। अब मैं, और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ, अगर मैं कॉइल को यूं रोटेट कर रहा हूं, सपोज मेरे पास ऐसे पड़ी, अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं, पी क्यू आर एस, इस कॉइल को ये घूम रही है,
एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो कॉइल सबसे पहले मैं बोलूंगा सपोज PQ मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और RS अपवर्ड डायरेक्शन में, जो PQ है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और RS क्या अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या करते हैं PQ U डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये RS वाला साइड क्या हो रहा है ऊपर आ रहा है, तो हम इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। याद करिए कौन सा रूल लगता है इसमें, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, यस राइट हैंड रूल लगता है इसमें, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हम कैसे देख सकते हैं राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से कैसे देख सकते हैं, आइए देखिए। सपोज ये PQ आर्म क्या हो रही है डाउनवर्ड जा रही है, PQ आर्म डाउनवर्ड जा रही है मतलब मेरा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, मेरा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कहाँ है मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मेरा करंट कहाँ आ रहा है फ्रॉम पी टू पी और क्यू टू पी। देखिए अपने हाथ से देखिए करंट कहां पर आएगा मेरा पी क्यू आर एस में, करंट कहां पर आएगा, ये फोर्स डाउनवर्ड, ठीक है फोर्स डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट इज फ्रॉम क्यू टू पी, जो करंट आएगा यहाँ पर मेरा कहां पर आएगा क्यू टू पी, ठीक है। राइट हैंड रूल अपने कॉपी पे करके देखिए, और ये एस और आर ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है यहाँ अपवर्ड घूम के, ये ऐसे एस आर मेरा ये है एस आर, यहाँ फोर्स कहाँ लग गया अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है दिस डायरेक्शन में, तो मेरा करंट किस डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन मतलब फ्रॉम एस टू आर, तो मेरा करंट कैसे गया एस आर क्यू पी, फिर इस ब्रश में बी वन बी टू दिस, ठीक है। तो वर्क्यू में क्या आएगा इन फर्स्ट हाफ रोटेशन, फर्स्ट हाफ रोटेशन में क्या होगा मेरा करंट इज फ्रॉम, अगर ब्रश के साथ लिखे बी वन एस आर क्यू पी बी टू बी वन, बी वन एस क्यू यहां से निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें मेरा बी वन क्या हो गया एक तरह से कैसे एक्ट करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा, और बी टू कैसे एक्ट करेगा नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। एक बार और समझिए हम सेकंड रोटेशन में देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड रोटेशन में क्या है, और सेकंड रोटेशन में ये एसआर यहां पर आ गया, सेकंड रोटेशन में ये मेरे पास कॉइल कैसा बन गया, ये आ गया एसआर क्यूपी, ठीक है ऐसे आ गया एसआर क्यूपी। अब क्या है एसआर नीचे जाएगा, एसआर के डाउनवर्ड जाने की बारी है, अगर मैं यहां से समझा रहा था पीक्यू क्या है, पीक्यू नीचे चला गया एसआर आ गया, एसआर की डाउनवर्ड जाने की बारी है ना, ठीक है। एसआर डाउनवर्ड जाएगा, एसआर डाउनवर्ड जाएगा सेम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहां पर जो आरएस है जो एसआर मैं बोल रहा हूं इधर जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी सेकंड है ऐसे हो जाएगी और यहां से ऐसे हो जाएगी, ठीक है। सो इन सेकंड साइकिल सेकंड टाइम क्या होगा द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पी क्यू आर एस, और मैं ब्रशेस से देखूं तो ब्रशेस से कैसे हुआ दिस पी क्यू आर एस, तो ब्रश ये कहां है पहले बी टू पे, फ्रॉम बी टू पी क्यू आर एस बी वन देन बी टू, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, पहले से रिवर्स होगी करंट की डायरेक्शन, हमें यही तो चाहिए। एसी में क्या होता है डायरेक्शन वो ऑल्टरनेटिवली चेंज करता रहता है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया जब यहाँ पर करंट आया हम इस लोड के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे को वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा, तो हमारे को यहाँ हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ना लोड रेजिस्टेंस में हम आउटपुट भी ले लेते हैं, ठीक है लोड रेजिस्टेंस में हम आउटपुट लेते हैं, तो हमारे को आउटपुट मिल गया मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ये है इसकी वर्किंग। अगर मैं इसको ऐसे समझूं तो क्या होगा मेरे पास सपोज दिस इज टी और ये क्या है मेरे पास सपोज ईएमएफ है, ठीक है ईएमएफ है, ईएमएफ कैसे होती है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है और ये किसी सपोज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, होता क्या मैंने आपको पढ़ाया था इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2π by t into t, omega is 2π by t into t। अब आप देख लीजिए चार हाफ में सपोज यहाँ पर मेरे पास t की वैल्यू जीरो है, ठीक है यहाँ पर मेरे पास t की वैल्यू t by what is t value of t t by 4 ऐसे करते हैं ना वेव्स एंड ऑसिलेशंस चैप्टर में पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में,
0 t by 4 t by 2, this is 3 t by 4, this is t, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में यहां 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगी जहां पर मैक्सिमम फ्लक्स चेंज हुआ, मैक्सिमम फ्लक्स कहां पर चेंज होगा, मतलब मैक्सिमम ये जहां पे फ्लक्स चेंज हुआ t by 4 पे, मतलब क्या, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ऐसे था, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम फ्लक्स चेंज हो गया, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं थी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन में फ्लक्स चेंज हो गया, मतलब व्हेन देयर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन लार्ज नंबर टू द व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, फ्लक्स में मैक्सिमम चेंज हो गया तो मैक्सिमम ई एफ एंड डी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर धीरे-धीरे फ्लक्स चेंज होगा और t / 2 पे 0, फिर उसके बाद क्या था, हमने देखा कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, दिस करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन या ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रही है और आखिरी में ये t पे क्या हो रहा है, फिर से क्लोज हो रहा है, t पे फिर से 0 हो रही है वैल्यू, तो e की वैल्यू 0 फ्रॉम t / 4, तो हमारे पास ये ऐसे ही जनरेट होता जाएगा, दैट इज एसी, आपको पता है, आपने पढ़ लिया बहुत बार, ये क्या है, एक तरह से अल्टरनेटिंग करंट की साइकिल बन गई ना, तो हमारे को मैकेनिकल एनर्जी से यहां पर क्या मिला, हमारे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गया, ठीक है। अब ये ईएमएफ तो मिल गया, हमें पता लग गया यहां ईएमएफ जनरेट होता, करंट जनरेट होता, उसकी वैल्यू क्या है बेटा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है वो पढ़ते हैं, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, जो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई उसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के लिए हमारे को क्या चाहिए होगा, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स चाहिए होंगी, मैथमेटिकल टर्म्स जैसे सपोज मेरा n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, यहां लिख देता हूं मैं टॉपिक का नाम, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ, ईएमएफ की एक्सप्रेशन, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, a इज द एरिया ऑफ कॉइल, या एरिया ऑफ लूप, आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा मिल जाएगा, एरिया ऑफ कॉइल और एरिया ऑफ लूप्स, ये जो इसका एरिया है, ठीक है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है, ए इज द एरिया ऑफ कॉइल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन B and A, A और B के बीच में जो एंगल है, आप पढ़ते हो सिंपल, ठीक, तो ये जस्ट डिनोशंस है। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, कितना फ्लक्स यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, कितना फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है सिंपली BA cos थीटा, अगर एंगल भी हो तो BA cos थीटा होता है, ठीक है, और n नंबर ऑफ टर्न है तो NBA cos थीटा, कितना आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी, फ्लक्स इज NBA cos थीटा, ठीक है। अब ये सपोज ये जो कॉइल आर्मेचर रोटेट कर रहा है, ये किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होती है ना ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पढ़ा हुआ आप सबने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो थीटा कितना आएगा, ओमेगा टी, ठीक है, थीटा कितना आ जाएगा, ओमेगा टी, यहां मैं वैल्यू पुट कर दूं, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन वन, फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, फाई एन बी ए कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम, किस किस टाइम पे कैसे आर्मेचर पर रोटेट कर रही है, तो मेरे पास क्या आ गया, फ्लक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक। अब मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा निकाल सकते हैं, फैराडे, फैराडेस लॉ से आपने क्या पढ़ा था, बाय फैराडेस लॉ, फैराडेस लॉ से आपने क्या पढ़ा था, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस होता है, दिस ईएमएफ इज माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, रेट ऑफ माइनस साइन दिया था, लेंज ने डायरेक्शन बताई थी लेंज लॉ में, दिस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डीटी, अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं फाई की, वैल्यू इज एनबीए कॉस ओमेगा टी, एनबीए कॉस ओमेगा टी, नाउ नंबर ऑफ टर्न्स फॉर वन
टाइम या नंबर ऑफ टर्न्स एक पर्टिकुलर एसी जनरेटर में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है जितना एरिया होगा, ठीक है। सो वी कैन टेक इट आउट ऑफ दिस डिफरेंशिएशन, वी कैन टेक दिस माइनस साइन इज फॉर दिस, वी कैन टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रेशन एंड d/dt इज cos ओमेगा t, ठीक है बेटा। इतना अब इस डिफरेंशिएशन बताओ, ये डिफरेंशिएशन कितना आया, अपनी कॉपी पे साथ में सॉल्व करो इस डिफरेंशिएशन को, ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट, माइनस sin x, यस cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x, और cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस sin ओमेगा t साथ में मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, यही होता है चेन रूल से, माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, इस माइनस कैंसिल विद माइनस, तो एन ए एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, सो माय ईएमएफ, यहां ईएमएफ कितना आया, ईएमएफ एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और हमने ईएमएफ अभी मैंने जब आपको ग्राफ बताया तो ईएमएफ क्या पड़ा, बट we know e equal to e naught sin omega t, आपको पता है e क्या होता है, e equal to e naught sin omega t, sinusoidally vary करता है, ठीक है। so on comparing, compare करके हमारे को क्या पता चला, इसको इसको compare करेंगे तो आ गया e naught is n b a omega, e naught is n b a omega, तो ये क्या आ गया, e naught e is equal to n a d omega sin omega t, और this e naught is on comparing what we get, this e naught is n b a omega, ठीक है, n b a omega आ गया। अब ये तो हमारे पास आ गई emf, ठीक है। अब ध्यान से देख सकते हैं इसको डेरिवेशन को, e equal to minus d phi by dt, minus d phi by dt n, this differentiation minus d by dt n b a omega cos omega t, we differentiate to give to calculate sin omega t omega n b a omega sin omega t, and on comparing e equal to e naught sin omega t, where e naught is this, और इसके बाद अगर मुझे current निकालना है, current कितना होगा, i naught, current कितना होगा, ठीक है। अगर इसके cross यहाँ से current जा रहा है, जो कि एक बार इस direction में होगा, एक बार इस direction में होगा, इस load resistance के cross current जा रहा है, तो क्या होगा, i क्या होता है, v by i, आपने पढ़ा है Ohm's law क्या होता है, v by i is equal to r, so i is E by R, ठीक है, I कितना हो जाएगा हमारा, E by R हो जाएगा, तो हम यहाँ से easily current की value निकाल सकते हैं, ठीक है, I क्या होता है Ohm's law से, E by R, तो हम इस E by R की value निकाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ क्या लिखा, एक चीज देखिए, current लिखा I naught, current की value क्या होगी, peak value, तो यहाँ भी मेरा क्या आ जाएगा, E naught आ जाएगा, ठीक है, and E naught is N B A omega by R, ये मेरा current की value आ गई, ठीक। तो करंट जनरेट हमने इसमें क्या पढ़ा, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका प्रिंसिपल, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है, याद रखना है इसको, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका प्रिंसिपल, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसकी वर्किंग, वर्किंग में क्या चीज यूज होती है, वर्किंग में यूज होता है राइट हैंड फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज होता है, ठीक है, राइट हैंड रूल, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट एफ बी आई, रिमेंबर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से एक बार रोटेट करने में यहां क्या होता है, करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता रहता है, तो हमारे को ये अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू मिलती है, और कितनी वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की, दिस दिस इज ईएमएफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, सो दिस इज योर एसी जनरेटर, थैंक यू।